Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में सालाना बजट पेश किया। देश के आम बजट का सभी लोगों को इंतजार रहता है। हर किसी को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर बजट में आम लोगों को क्या मिला। इस बार के बजट में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। हालांकि यहां भी न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही राहत दी गई है, जबकि पुराने यानी ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3,00,000 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को 5% टैक्स, 7 से 10 लाख वालों को 10%, 10 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख आय वालों को 20%, जबकि 15 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वालों को 30% तक टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। ये योजना इसे और बढ़ावा देगी। प्लास्टिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे प्लास्टिक के बने उत्पादों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। हवाई सफर भी महंगा हुआ है, जिससे हवाई यात्रा करने वालों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा सिगरेट की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे धूम्रपान करने वालों को अब अधिक पैसे चुकाने होंगे। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे इसका आयात महंगा हो गया है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए आयात शुल्क में 10 से 25% तक का इजाफा किया गया है, जिससे घरेलू बाजार में पीवीसी की कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टूडेंट्स के लिए भी खास ऐलान किया है। जिन छात्रों को सरकारी योजना के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में दाखिले के लिए लोन मिलेगा। ये कर्ज उच्च शिक्षा के लिए होगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर लाए जाएंगे, जो हर साल 1,00,000 स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने मुद्रा लोन की रकम 10,00,000 से बढ़ाकर 20,00,000 रुपए कर दी है। इससे उन नौजवानों को लाभ मिलेगा, जो कर्ज लेकर खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। साथ ही सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देने के लिए योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपए महीना इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने की बात कही है। सरकार का जोर खासतौर पर नेचुरल फार्मिंग पर होगा। खेत में रिसर्च और ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ाने की बात कही गई है। नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। सरकार दाल और तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देगी। इसके लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाया जाएगा। सरकार खासतौर पर सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन पर ध्यान देगी।